हम लोगों ने तो कभी नहीं रिटायरमेंट की बात सुनी। हम लोगों ने भाई, हम लोग तो भाजपा के साथ भी थे, मोदी जी के साथ पुराने समय में भी मंत्री थे, पिछली दफा भी मंत्री थे, अभी भी जब मोदी जी मंत्री नहीं थे, जब तारकिशोर जी और रेणु जी उप मुख्यमंत्री थे, उस समय भी हम मंत्री थे। लेकिन हम लोगों ने तो अभी तक एक भी मन की बात नहीं सुनी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सडी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। वित्त मंत्री विजय चौधरी का बीजेपी पर करारा हमला, बोला कि ये बीजेपी वाले सिर्फ बयानबाजी करना चाहते हैं। सुशील कुमार मोदी सिर्फ बयानबाजी करते रहते हैं, इनसे कोई काम वाम होता नहीं है। वहीं आपको बता दें कि मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल कि आनंद मोहन की रिहाई के लिए कानून में संशोधन किया गया, उस पर भी वित्त मंत्री विजय चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि किसी एक व्यक्ति के लिए कानून में संशोधन नहीं किया गया है। पहले ये बीजेपी वाले ही हो अल्लाह कर रहे थे आनंद मोहन को छुड़ाने के लिए, और जब वो रिहा हो गए हैं तो इनको लेकर विरोध कर रहे हैं। आगे और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी, पहले आपको हम वो सुनाते हैं। जो अभी कर्नाटक का चुनाव है, कई पार्टियां उसमें लगी हुई है, चुनाव ना हो जाता है फिर जब तय होगा तो, अरे आप ही लोग, जब भी तय होगा जो निर्णय होगा आप ही लोग का ना, हम लोग हाथ जोड़ के बताएंगे लोगों को तक पहुंचाने के लिए। तो आप एकदम इत्मीनान रहिए, धैर्य रखिए, समय पर बैठक भी होगी और आपको सूचना भी दी जाएगी। ठीक है सर। मुख्यमंत्री हैं सुशील मोदी, कह रहे हैं कि आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं 6 महीना पहले तक रेडियो पर बैठ के मन की बात सुनते थे और अब बात पलट रहे हैं। हम लोगों ने तो कभी नहीं मन की बात सुनी। हम लोगों ने भाई, हम लोग तो भाजपा के साथ भी थे, मोदी जी के साथ पुराने समय में भी मंत्री थे, पिछली दफा भी मंत्री थे, अभी भी जब मोदी जी मंत्री नहीं थे, जब तारकिशोर जी और रेणु जी उप मुख्यमंत्री थे, उस समय भी हम मंत्री थे। लेकिन हम लोगों ने तो अभी तक एक भी मन की बात नहीं सुनी है। तब कौन सुनते हैं? जो सुनते हैं वही ना जवाब दे सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा का एक सवाल है, कर एक जातीय बयान दिया गया है महागठबंधन की तरफ से, महागठबंधन के एक नेता है जो ब्राह्मण पर जो बोल रहे हैं, अगर दूसरे पार्टी के लोग बोलेंगे तो आप लोग बोलिएगा कि जाति उन्माद फैला रहा है। आप लोग एक चीज हमेशा समझ लीजिए, ये महागठबंधन से जुड़ा कोई दल हो तो, या कोई अन्य गठबंधन से जुड़ा कोई दल हो तो, उस दल का अधिकृत व्यक्ति अगर कोई बयान देता है तब आप उस पर दूसरों की प्रतिक्रिया लीजिए। अन्यथा होता क्या है कि अगर कोई आदमी अपने मन से अपनी बात कर देता है तो आप मीडिया के लोग ही उसके प्रचारक बन जाते हैं, बिना किसी शुल्क के उसका प्रचार करने लगते हैं। तो भाई आप लोग भी कम से कम सामाजिक स्थिति पर, सामाजिक दायित्व पर रहम करते हुए जो लोग अधिकृत व्यक्ति नहीं हैं उसको न महागठबंधन की राय मानिए न किसी दल की राय मानिए, और ये सब के बारे में हम कह रहे हैं, किसी को छोड़ के नहीं कह रहे। सुना आपने वित्त मंत्री विजय चौधरी का क्या कुछ कहना था। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि बीजेपी जिस तरीके से 40 सीट पर दावा कर रही है, ये दावा सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है, इसमें कोई आश्चर्यजनक वाली बात नहीं है। इसी के साथ साथ आनंद मोहन की रिहाई को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया रखी और साफ तौर पर कहा किसी एक व्यक्ति के लिए कानून में संशोधन नहीं किया गया है। इसी के आगे विपक्ष एकजुटता को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया रखी और साफ तौर पर उपेंद्र कुशवाहा को भी नसीहत देते हुए नजर आए हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि राजद के राष्ट्रीय सचिव ने जिस तरीके से ब्राह्मणों को लेकर बयानबाजी किया उसको लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया रखी और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी, वो भी आपने सुना। तो फिलहाल के इस खबर में बस इतना ही। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।